आज की वीडियो में बात करेंगे अरिहंत प्लस डीमैट अकाउंट अगर आप यहां पर क्रिएट करते हैं तो इसके आपको ब्रोकरेज चार्जेस क्या लगने वाले हैं। इसको आप में इंट्राडे डिलीवरी कॉल एंड ऑप्शन फीचर एंड ऑप्शन यहां पर जितने भी इनके जो चार्जेस होते हैं वो सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए अरिहंत प्लस एप्लीकेशन के रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं और हम जानते हैं कि ये आपको कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इन्होंने मेंशन किया गया है कि आपको यहाँ पर जीरो पर ऑर्डर इक्विटी डिलीवरी पर आपको लगता है, यानी कि अगर आप यहाँ पर इनकी इक्विटी डिलीवरी करेंगे तो आपको यहाँ पर जीरो चार्जेस ऑर्डर लगेगा। इसके बाद हम बात करें तो इनका एक है 20 पर ऑर्डर, यानी कि आपको इक्विटी इंटरडे एंड फीचर ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पर 20 रुपये पर ऑर्डर लगने वाला है। अब इनके कुछ यहाँ पर बेनिफिट देखें दोस्तों, इनका कहना है कि बेनिफिट फ्रॉम ओवर एक्सपोर्ट कॉल अक्रॉस ऑल टाइप ऑफ रिसर्च, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि इनसे कोई सेवाएं लेना तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि सेगमेंट पीरियड पोजीशन रिसर्च, जैसे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन इक्विटी। यहाँ पर आप देखेंगे तो आप फ्यूचर एंड ऑप्शन इक्विटी करेंसी इंटरडे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पोजिशन और स्विंग कॉल फंडामेंटल और टेक्निकल की जितनी भी सेवाएं हो सकती हैं ये आपको ऑल सर्विस प्रदान करते हैं, ये अरिहंत प्लस एप्लीकेशन साइट का कहना है। बताया हुआ है कि आप इसे एजी एक्सेस कर सकते हैं, टू कलेक्टेड कर सकते हैं और यहाँ पर अवार्ड विनिंग भी है इनका इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपको यहाँ पर ये चीज़ें बताई जाती हैं। तो नीचे भी आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए जाना है तो आप देखेंगे इन्होंने अपने बारे में क्या क्या बताया हुआ है। इनके कुछ आपको यहाँ पर एफ एंड क्यू ऑप्शन देख पा रहे होंगे जो कि अरिहंत डीमेट अकाउंट ओपन यानी कि करने से पहले पूछे जाते हैं। तो चलिए हम भी इनके जानकारी आपको दे देते हैं। सबसे पहले क्या पूछा गया है, डू आई हैव टू पे यूजिंग द प्लेटफॉर्म। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि नो यू कैन द एक्शन यूज द अरिहंत प्लस वेब एंड मोबाइल प्लेटफॉर्म, यानी कि अगर आप अरिहंत वेब एंड मोबाइल जो प्लेटफॉर्म होता है एप्लीकेशन होता है वो फ्री है, यानी कि इनमें आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। देयर इज़ नो फीस फॉर द यूजिंग ऑफ ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, यू कैन ओपन एन अकाउंट व्हेन यू आर रेडी टू प्लेस ट्रेड। यानी कि अगर आप यहाँ पर अरिहंत का अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पर आपको यानी कि वेब और मोबाइल एप्लीकेशन पर बिल्कुल फ्री देखने को मिलता है। आगे बात करेंगे कि इसमें AMC चार्जेस हो गया या नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डीमैट अकाउंट होते हैं जो कि ओपनिंग फीस तो नहीं लेते हैं पर उनमें इंटरडे या फिर डिलीवरी पर अदर चार्जेस होते हैं, साथ में उनके AMC चार्जेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो बात करें इनके यहाँ पर मार्जिन के बारे में या फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में तो इनके बारे में जान लेते हैं। इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया गया है कि अगर आप अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन यहाँ पर यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर 20 रुपये पर ऑर्डर, और अगर आपको यहाँ पर फिर ऑप्शन करना है फीचर के लिए भी 20 रुपये पर ऑर्डर, और अगर ऑप्शन करते हैं तो फीचर और ऑप्शन के लिए दोनों के लिए 20 रुपये पर ऑर्डर है। पर इन्होंने मेंशन किया है कि अगर आपकी ट्रांजेक्शन बड़ी है या छोटी है तो यहाँ पर ये आपके साइज पर डिपेंड कराएगा कि आप यहाँ पर कितने रुपये का ऑर्डर यहाँ पर लगा रहे हैं, ठीक है। यानी कि इसमें आपको कह सकते हैं कि बड़ी ट्रांजेक्शन है वो आपको 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से पड़ेगी, छोटी ऑर्डर है यानी कि वो आपको कुछ परसेंटेज के हिसाब से मिलेगी जो कि आगे इस वीडियो में आपको डिस्कस करके बताऊंगा। तो नीचे और आएंगे तो इन्होंने लिखा है कि व्हाट इज़ द ब्रोकरेज कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग इन इक्विटी। तो इन्होंने इक्विटी के बारे में बताया है कि अगर इक्विटी आप करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, अगर आप यहाँ पर हाई में यहाँ पर अपना इक्विटी ट्रेडिंग करते हैं तो आपको 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से लगेगा। ज़्यादातर क्या होता है कि अगर आप 40,000 रुपये की जो बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन होती है जिसे हम हाई ट्रांजेक्शन बोल सकते हैं, तो आपको वहाँ पर जो चार्जेस लगता है वो 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से लगता है। अगर आपका लोअर है यानी कि अगर आप यहाँ पर छोटी ट्रांजेक्शन करते हैं 40,000 रुपये से नीचे की ट्रांजेक्शन आप यहाँ करेंगे ऑर्डर लगाते हैं तो जो आपका ऑर्डर मेंशन होता है वो होता है 2.5% के हिसाब से, ये इनके चार्जेस होते हैं दोस्तों जो लोअर में गिने जाते हैं। ये आपको जो ऑर्डर लगेगा वो आपको दोनों साइड से लगेगा, बाई पर भी लगेगा और सेल ऑर्डर पर भी, ये दोनों इक्विटी डिलीवरी के अंदर आपको लगने वाला है। मार्जिन एजेंट बनना चाहते हैं तो आपको अगर आप शेयर है आपके पास और आप उन्हें गिरवी रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 25% सिक्योरिटी विदाउट एडिंग फंड के हिसाब से मिलने वाला है। ये बात आते हैं सिक्योर ऑफ, अगर आप यहाँ पर इंटरडे करते हैं और आप अपने इंटरडे को खुला छोड़ देते हैं और आप अपने 3:15 या 3:20 के बीच में अपना
यानी कि जो हमारा इंटरडे होता है उसे हम स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं, तो इनके जो चार्जेस हैं वो कितने लगने वाले हैं। यहाँ पर इन्होंने पूछा गया है स्क्वायर ऑफ क्या होगा, तो यहाँ पर आपका जो स्क्वायर है, अगर आप यहाँ पर ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज लगता है जो आपका 50 रुपये प्लस आपका 18% GST इन्होंने मेंशन किया हुआ है, यानी कि आप इंटरडे करेंगे, इंटरडे के अंदर अगर आप स्क्वायर ऑफ अपने आप से नहीं करते हैं, तो अगर ये आपकी साइट से करते हैं या फिर इनका एप्लीकेशन आपके यानी कि इंटरडे को स्विच ऑफ करता है, ऑफ करता है, तो आपको यहाँ पर चार्ज लगेगा 50 रुपये प्लस GST। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिल चुकी होंगी, तो चलिए बात कर लेते हैं अब इनके पूरे प्लेटफॉर्म पर आपको कौन कौन से चार्जेस देखने को मिलेंगे ये भी हम जान लेते हैं। दोस्तों अब जो हम यहाँ पर जानकारी बताएंगे वो किसी अदर वेबसाइट से बता रहे हैं, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पर हमें कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है। इस साइट का नाम है FinEash, तो इसमें आपको यहाँ पर इनके बारे में बताया गया है कि अगर आप इनका देखें तो टॉप प्लान, स्टैंडर्ड प्लान, ब्रोकरेज टाइप है जो आपको यहाँ पर, ये फुल सर्विस ब्रोकरेज है जैसे कि मैंने आपको बताया है। अकाउंट ओपनिंग फ़ीस है जो यहाँ पर फ्री बताई गई है। अकाउंट ओपनिंग का मतलब होता है कि जब आप अकाउंट ओपन करते हैं, अगर आप किसी एप्लीकेशन में अकाउंट ओपन करते हैं, तो बहुत बार क्या होता है कि वो अपना प्लान बनाए रखते हैं कि वो 299 रुपये में आपको ये सेवाएँ देते हैं, पर यहाँ पर इनका जो अकाउंट ओपनिंग है वो बिल्कुल फ्री दिखाया गया है। प्लस अगर बात की जाए AMC की, तो हमने आपको बताया है कि AMC चार्जेस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एनुअल मेंटेनेंस अकाउंट ओपनिंग जो चार्जेस तो नहीं है यहाँ पर, एनुअल चार्जेस जरूर दिखाए गए हैं, AMC चार्जेस यहाँ पर इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। तो चलिए मैं आपको AMC चार्जेस की बात करें, तो यहाँ पर आपको 300 रुपये पर ईयर देने वाले हैं और फ्री फॉर द सेम प्लान, यानी कि आपको यहाँ पर इनके कुछ प्लान भी दिए गए हैं पर उनमें कुछ आपको फ्री प्लान भी मिल सकते हैं, पर यहाँ पर नॉर्मल सी बात इन्होंने कही है कि आपको 300 रुपये पर ईयर तो आपको AMC चार्जेस देने होंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर डिलीवरी चार्जेस और इंटरडे की, तो यहाँ पर आपको डिलीवरी चार्जेस है जो आपका 0.5% के हिसाब से, ट्रांजेक्शन वैल्यू के हिसाब से आपका जो डिलीवरी चार्ज है वो काउंट किया जाएगा। इंटरडे के चार्जेस की बात की जाए तो पर 0.015% के हिसाब से आपको ट्रांजेक्शन वैल्यू के हिसाब से इंटरडे चार्जेस लगने वाले हैं। इसके बाद अरिहंत कैपिटल ब्रोकरेज चार्जेस की बात की जाए, तो यहाँ पर आपको क्या क्या फीस लगने वाली हैं। ब्रोकरेज प्लान है जो इनका आपको बिल्कुल फ्री दिखाया गया है, सब्सक्रिप्शन 0 है। इक्विटी डिलीवरी की बात की जाए तो 0.15% ट्रांजेक्शन वैल्यू के हिसाब से लगेगी। इक्विटी इंट्राडे के अंदर आपको 0.015% के हिसाब से जो कि ट्रांजेक्शन वैल्यू है, ये ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपको हाई ट्रांजेक्शन 20 रुपये पर ऑर्डर और लोअर आपको जहाँ पर 0.015% के हिसाब से चार्जेस लगने वाले हैं, ये इनका ये कहना होता है, ट्रांजेक्शन वैल्यू यहाँ पर यही गिनी जाती है। अब जैसे बात की जाए इक्विटी फीचर की, तो यहाँ पर आपको जो ट्रांजेक्शन वैल्यू के हिसाब से 0.015% के हिसाब से ट्रांजेक्शन वैल्यू चार्जेस लगने वाले हैं। इक्विटी ऑप्शन की बात की जाए तो इक्विटी ऑप्शन में आपको 50 पर लॉट, यानी कि एक लॉट पर आपको 50 यानी कि चार्जेस देने होंगे ऑर्डर पर। ठीक है, कम्युनिटी फीचर्स की बात की जाए तो आपको यहाँ पर 0.02% के हिसाब से ट्रांजेक्शन वैल्यू है। कम्युनिटी ऑप्शन पर आपको 20 रुपये पर लॉट, अगर आप यहाँ पर एक लॉट लेते हैं तो आपको 20 रुपये पर लॉट का चार्जेस देना होगा। करेंसी फीचर्स की बात की जाए तो आपको 0.015% ट्रांजेक्शन वैल्यू और करेंसी ऑप्शन पर आपको 10 रुपये पर लॉट के हिसाब से चार्जेस देने होंगे। अब बात करते हैं टर्नओवर की, अगर आपका यहाँ पर करोड़ों में यहाँ पर आपका सेगमेंट होता है, ऑल सेगमेंट है, जितने भी आपके डिलीवरी है, इंटरडे है, फीचर ऑप्शन है, जितने भी हैं, तो आपको यहाँ पर इनका टर्नओवर देखा गया है। सेवी टर्नओवर चार्जेस आपको क्या लगने वाला है, तो सेवी टर्नओवर चार्जेस है वो 10 रुपये पर करोड़ के हिसाब से लगेगा, ऑल सेगमेंट यहाँ पर मेंशन किए जाएंगे। DP चार्जेस की बात की जाए तो आपको DP चार्जेस है 30 रुपये पर स्क्रिप ऑन सेल पर आपको चार्जेस देने होंगे, यानी कि अगर आप DP चार्जेस देखें तो सेल पर आपको 30 रुपये पर चार्जेस लगने वाला है आपके स्क्रिप पर। GST की बात की जाए तो GST आज सभी में आपको मेंशन की जाती है। ये जो GST होती है ये सभी डीमेट अकाउंट पर सेम लगती है, यानी कि 18% GST आपके ऑन ब्रोकरेज और सेविंग चार्जेस, ट्रांजेक्शन चार्जेस पर ये सारे चार्जेस मेंशन करते हैं। 18% GST आपको देनी होती है चाहे आप यहाँ पर किसी भी तरीके का काम करते हो, ब्रोकरेज है, सेविंग चार्जेस है, ट्रांजेक्शन चार्जेस है, सभी में ये चार्जेस लगने वाला है, ये सभी में आपको सेम मिलता है। ठीक है, अब बात करेंगे अकाउंट क्लोजर चार्जेस की, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए अगर आप अपना अकाउंट यूज नहीं करते हैं और आप चाहते हैं अकाउंट को बंद करना, तो इसके लिए आपको क्या चार्जेस देने होंगे, तो इसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देना होगा, नील चार्जेस है, यानी कि आप अपना अकाउंट है जो बिल्कुल फ्री में ऑफ कर सकते हैं। रिएक्टिव चार्जेस है, अगर आप चाहते हैं भाई दोबारा से हम अपने एक्टिव करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देने होंगे।
यहाँ पर इनका एक और चार्ज है डीमेटलाइजेशन चार्जेस, 20 रुपये पर सर्टिफिकेट। अगर यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट मंगाते हैं तो 20 रुपये पर सर्टिफिकेट का ऑर्डर यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। इनकी सबसे अच्छी खास बात मुझे लगी है दोस्तों, यहाँ पर इनका देखेंगे तो अगर आप कॉल एंड ट्रेड चार्जेस बिल्कुल फ्री है। अक्सर हम देखते हैं कि 50 रुपये कॉल एंड चार्ज लगते हैं, कहीं पर 20 रुपये कॉल एंड चार्जेस लगते हैं। अगर हम इनके बात की जाए तो यहाँ पर हमें जो अदर साइट है वो दिखाती है कि कॉल एंड ट्रेड चार्जेस है जो वहाँ पर फ्री बताया गया है। अब ये यूज करने के बाद ही हम देख सकते हैं। अब अरिहंत कैपिटल ट्रांजेक्शन चार्जेस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपका NSE BSE के अंदर इक्विटी डिलीवरी पर आपके क्या चार्जेस लगेंगे, तो यहाँ पर ये भी मेंशन किया गया है। इक्विटी डिलीवरी NSE BSE के अंदर आपको जो चार्जेस लगेंगे वो 0.00345% के हिसाब से NSE BSE के अंदर आपको इक्विटी डिलीवरी पर लगने वाला है। इसके बाद इक्विटी इंटरडे के अंदर NSE और BSE के अंदर यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आपको जो चार्जेस मेंशन किए गए हैं वो है 3-4-5% के हिसाब से यहाँ पर चार्जेस लगने वाला है। ये सभी ट्रांजेक्शन चार्जेस होते हैं। इक्विटी फीचर की बात की जाए तो आपको इक्विटी NSE एंड BSE के अंदर आपको यहाँ पर जो चार्जेस लगेगा 0.0019% के हिसाब से, और इक्विटी ऑप्शन के अंदर आपको जो चार्जेस लगेगा वो 0.05% के हिसाब से ऑन प्रीमियम अगर आप यहाँ पर यूज करते हैं तो वो चार्जेस जब आपको यहाँ पर ऑप्शन के अंदर लगने वाला है। कॉमोडिटी की बात की जाए तो कॉमोडिटी फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको जो नॉन एग्री है यहाँ पर आपको कॉमोडिटी फीचर में आपको 0.0025% 26% के हिसाब से नॉन एग्री यहाँ पर चार्जेस लगेंगे। कॉमोडिटी ऑप्शन है जो नॉन एग्री यहाँ पर 0.05% के हिसाब से है, ठीक है। यहाँ पर फीचर ऑप्शन दो ऑप्शन मिल रहे हैं आपको। इसके बाद करेंसी फीचर NSE के अंदर आपको चार्ज लगते हैं, अगर आप करेंसी फीचर NSE के अंदर करते हैं तो आपको चार्जेस लगेगा 0.0009% के हिसाब से, और करेंसी ऑप्शन के अंदर ये जो चार्जेस देखने को मिलेंगे NSE के अंदर आपको वो मिलेगा 0.035% NSE के अंदर आपके चार्जेस लगने वाले हैं। यानी कि फीचर और NSE के अंदर आपको अलग अलग चार्जेस देखने को मिलते हैं। चार्ज और सिक्योरिटी चार्जेस होते हैं यानी कि हमारे सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्जेस होते हैं वो भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। अगर आप STT और CTT चार्जेस देखें तो इक्विटी इंटरडे इक्विटी डिलीवरी के अंदर आपको 0.01% ऑन बाय एंड सेल पर ये चार्जेस देने होंगे, STT चार्ज है और CTT चार्ज है। तो इसके बाद आप बात करें इंटरडे की, तो इक्विटी इंटरडे के अंदर आपको जो चार्जेस लगेगा STT वो 0.025% ऑन सेल पर लगेगा, बाय पर आपका यहाँ पर इंटरडे के अंदर नहीं लगेगा। इक्विटी फीचर आपका जो यहाँ पर मेंशन की जाए तो इक्विटी फीचर के अंदर आपको यहाँ पर जो चार्जेस लगेगा वो 0.0125% ऑन सेलिंग पर लगेगा, यानी कि आप जब सेल करते हैं फीचर को तो यहाँ पर जो चार्जेस लगेगा वो 0.0125% लगने वाला है। इसके बाद इक्विटी ऑप्शन की बात की जाए तो इक्विटी ऑप्शन अगर आप इनका ऑन प्रीमियम यूज करेंगे तो आपको यहाँ पर इक्विटी ऑप्शन के अंदर 0.0625% ऑन सेलिंग पर ये चार्जेस आपको मेंशन करना पड़ेगा। बात करते हैं कमोडिटी फीचर्स की, तो कमोडिटी फीचर्स में आपको कौन कौन से नॉन एग्री और यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कमोडिटी फीचर्स की, तो यहाँ पर जो चार्जेस लगेगा 0.01% है ऑन सेलिंग है, ठीक है। इसके बाद कमोडिटी ऑप्शन है जो कि सेलिंग पर है 0.05% के हिसाब से, करेंसी फीचर्स पर नील है और ऑप्शन पर ये चार्जेस नहीं मेंशन किए जा रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं स्टाम्प ड्यूटी की, तो यहाँ पर आपको कौन कौन से स्टाम्प ड्यूटी देखने को मिलेगी, इनके चार्जेस की बात भी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर स्टाम्प ड्यूटी की बात करते हैं, इक्विटी डिलीवरी के अंदर आपको यहाँ पर जो स्टाम्प ड्यूटी मिलेगी वो 0.0515% के हिसाब से ऑन बाय सेलिंग, यानी कि बाय पर है, सेलिंग पर आपको चार्जेस नहीं देने होंगे, सेलिंग का चार्जेस अलग हो सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर इनकी कैपिटल स्टाम्प ड्यूटी की बात की जाए तो इक्विटी इंटरडे के अंदर आपको जो बाय पर लगेगा वो 0.003% ऑन बाय पर लगेगा। इक्विटी फीचर के अंदर भी आपको बाय पर देखने को मिलेगा, इक्विटी फीचर अंदर आपको यहाँ पर बाय पर 0.0025% के हिसाब से ऑन बाय पर ये लगने वाला है। इक्विटी ऑप्शन की बात की जाए तो इक्विटी ऑप्शन में आपको ये बाय पर लगेगा, तो यहाँ पर ये बाय पर ही ज़्यादा सभी चार्जेस लग रहे होंगे, आप इन्हें देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। नीचे बात की जाए तो प्लेज अनप्लेज की बात कर लेते हैं। प्लेज क्रिएशन की चार्ज की बात की जाए तो पर रिक्वेस्ट अगर आप प्लेज लगाते हैं तो 35 रुपये पर रिक्वेस्ट के हिसाब से आपके चार्जेस लगेंगे प्लेज पर। प्लेज इन्वेस्टमेंट चार्जेस है 35 रुपये पर रिक्वेस्ट, और इंटरेस्ट ऑन मार्जिन ट्रेडिंग है जो आपका यहाँ पर 0.045% के हिसाब से पर डे का पड़ने वाला है। दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको ये एप्लीकेशन पसंद आता है तो इसका नाम है अरिहंत कैपिटल, ठीक है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से भी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।